विश्व योग दिवस के मौके पर शुक्रवार को गिरिडीह में जगह जगह योग को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन के अधिकारी, छात्र छात्राओं, नेता व कार्यकर्ताओं के साथ साथ वृद्ध व जवान सभी ने योग किया। करीब करीब सभी स्कूलों व क्लब के अलावे जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों, थाना परिसरों, जिला अधिवक्ता संघ भवन सहित अन्य संस्थानों में योग शिविर का आयोजन कर लोगों को योग व स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। शहर के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आयोजित योग कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हुई और दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उनके साथ जमुआ विधायक केदार हाजरा, पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, जीप अध्यक्ष मुनिया देवी, भाजपा नेता दिनेश यादव, चुन्नूकांत, महादेव दुबे, संदीप डंगई सहित कई भाजपाइयों ने योग किया। इस कार्यक्रम में बच्चों ने एक से एक योग और आसन करके लोगों का मन मोह लिया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि 10 साल पूर्व मोदी सरकार ने सत्ता में आने के साथ ही रोग मुक्त विश्व निर्माण के जिस अभियान को शुरुआत की थी, आज वह सार्थक होता दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं, सभी का अभिनंदन। इस वर्ष योग का थीम स्वयं और समाज के लिए, यानी पहले स्वयं स्वस्थ रहे, फिर समाज को हम स्वस्थ करें, और स्वस्थ समाज ही जो विकसित भारत का संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, हम तभी संभव कर सकते हैं और विकसित भारत का संकल्प को पूरा कर सकते हैं। तो आज योग दिवस के अवसर पर हम सभी से ये अपील करेंगे कि हम खुद भी करें, अपने बच्चों को भी और समाज को भी योग के लिए प्रेरित करें, ताकि योग के माध्यम से न सिर्फ ये एक योग बल्कि इसके माध्यम से तन भी स्वस्थ रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है, और हम किसी भी कार्य को स्फूर्ति के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ हम कर सकते हैं। इधर जिला प्रशासन द्वारा शहर के जेसी बोस मॉडल स्कूल व राजकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल परियाना में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर सर जेसी बोस मॉडल स्कूल में पतंजलि योगपीठ के नवीन कांत सिंह व योग शिक्षिका पुष्पा शक्ति के नेतृत्व में एसडीएम यशवंत प्रकाश, उपनगर आयुक्त विशालदीप खलको, डीपीआरओ अंजना भारती, डीपीएम प्रतिमा कुमारी, जिला कल्याण पदाधिकारी जयप्रकाश मेहरा के साथ स्कूल के प्रधानाध्यापक मुन्ना कुशवाहा सहित अन्य शिक्षकों व छात्राओं ने योग किया। यहाँ पर योग शिविर का उद्घाटन अधिकारियों ने संयुक्त रूप से किया। योग शिक्षकों द्वारा अनुलोम विलोम, प्राणायाम, कपाल भाती समेत योग की अन्य क्रियाओं तथा उनसे होने वाले फायदे के बारे में जानकारी दी गई। आंखें बंद, इनका हाथ डिस्टर्ब ना हो एक दूसरे से, और खड़े होकर तो इस तरह पूरा श्वास छोड़ता हुआ धीरे धीरे और लेता हुआ सीधा, दो बार और करेंगे इसी क्रिया को। श्वास छोड़ता हुआ दाएं, एकदम आराम आराम से गर्दन में लचकना, छाती में स्पर्श कराएंगे, उसके बाद धीरे धीरे श्वास छोड़ता हुआ। इस शुभ अवसर पर मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत कर रहा हूँ। ये बहुत शुभ समय लग रहा है देखने में हम लोगों के इस परिमेश का।
उम्दा कपड़े, उम्दा लोग और इनकी बस एक ही पहचान, एक ही दुकान, पाकीजा फैशन। गिरिडीह का इकलौता ऐसा प्रतिष्ठान जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और बच्चों के सभी प्रकार के कपड़े, चाहे रेडीमेड गारमेंट्स हो या शूटिंग शर्टिंग्स, महिलाओं की साड़ियां हो या फिर डिजाइनर लहंगे, जींस टॉप हो या फिर शेरवानी और कुर्ते, आपकी पसंद का एक ही प्रतिष्ठान पाकीजा फैशन। पुरुषों के लिए सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनेन क्लब, रेमंड्स, अरविंद सहित अन्य सभी ब्रांड्स के कपड़े, और महिलाओं के लिए एक से बढ़कर एक साड़ी, लहंगा, कुर्ती, गाउन, सूट पीस व फैंसी सूट लेना हो तो एक बार अवश्य पधारें पाकीजा फैशन। फैशन के साथ साथ क्वालिटी और भरोसे का दूसरा नाम पाकीजा फैशन, नियर कालीबाड़ी चौक, गिरिडीह।